टी वायर रिवॉर्ड्स अर्न गिफ्ट कार्ड्स एंड कैश। इस एप्लीकेशन का बेसक से ये दावा है कि आप लोग इसके अंदर जो है कैश अर्न कर सकते हो, गिफ्ट कार्ड्स अर्न कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर गेम्स को खेलकर। आपको यहाँ पर पेपल कैश मिलेगा, गूगल गिफ्ट कार्ड मिलेंगे और भी काफ़ी सारे गिफ्ट कार्ड से ऑफर करता है। लेकिन इस क्वेश्चन ये आता है कि क्या टी वायर रिवॉर्ड्स जो है वो लेजिट अर्निंग ऐप है कि नहीं, क्या इसमें हमको जो है पेमेंट मिलेगा कि नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसका पेमेंट प्रूफ भी आपको शो करूँगा, प्लस मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या ये अर्निंग करने के लायक है कि नहीं। क्योंकि गाइस अगर कोई एप्लीकेशन लेजिट है चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अर्निंग करने के लायक ही नहीं, यानी इसके अंदर आपको अर्निंग ही नहीं हो रही, अर्निंग ही बहुत ही कम हो रही है, तो फिर कोई फायदा नहीं उसको यूज़ करने का। अगर इसकी रेटिंग्स देखेंगे तो 4.7 की है, लेकिन इनकी रेटिंग्स के ऊपर बिलीव मत करना, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशन की रेटिंग्स देख कर आपको यही लगता होगा कि वो लेजिट होगी, लेकिन असल में जब आप उस एप्लीकेशन पर यूज़ करते हो, वर्क करते हो, तब आपको पूरी पूरी रियलिटी पता चलती है। अभी इस ऐप का क्या मामला है वो तो हम पूरी पूरी जानकारी अभी जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि अर्निंग कैसे होती है। अर्निंग करने के लिए हमको सबसे पहला काम तो यही करना है कि हमको इसमें गेम्स खेलनी है, और गेम्स की इसमें बहुत सारे ऑफर्स हैं, वैरायटीज़ हैं, आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर एक गेम दी गई है इसके अंदर लेवल के साथ साथ आपकी जो है अर्निंग होती है कॉइन्स की, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर गेम को खेलना है, जितने ज़्यादा लेवल आपके इंक्रीज़ होंगे उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। अभी जैसे कि आप किसी गेम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो क्लिक करके आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा, फिर यहाँ से इसको इंस्टॉल करना है, और आप लोग जितने ज़्यादा लेवल यहाँ पर इंक्रीज़ करते जाओगे उतने ज़्यादा आपको कॉइन्स मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लेवल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे आपके और कितनी कॉइन्स की अर्निंग होगी। तो यहाँ से स्क्रॉल करके आप ये चीज़ जो है देख सकते हैं। अब यही नहीं कि आप सिर्फ आपको इतनी गेम मिलेगी, गेम्स की इसमें बहुत सारी वैरायटी, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि ये गेम है पजल गेम है, अगर आप पजल गेम पसंद करना चाहते हो तो ये भी खेल सकते हो। और यहाँ पर आपको नीचे की साइड अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ पॉइंट्स वाली भी गेम है जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्रैगन। ये वाली जो गेम है आपको मिलियंस ऑफ कॉइन्स दे सकती है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगी कॉइन्स अर्न करने में, क्योंकि अगर कोई गेम आपको बहुत ज़्यादा ऑफर कर रही है कॉइन्स, तो इसका मतलब ये साफ है कि उसके अंदर अर्निंग करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अभी आप ऑफर के सेक्शन पर भी आप यही गेम्स देखोगे तो ऑफर और जहाँ पे होम के सेक्शन में आपको सेम ही चीज़ देखने को मिलती है, बस ऑफर में आपको ये जो है लिस्ट देती जाती है जिससे आपको आसानी होती है गेम्स को चूज़ करने में। यहाँ पर एक दूसरा अर्निंग ऑप्शन है फ्रेंड्स को इनवाइट करने का, तो अगर अपने दोस्तों को इनवाइट करते हो तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि नीचे दिया गया। अगर यहाँ पर अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हो और अगर वो फर्स्ट मिलियन पॉइंट्स, अगर आपका योर फ्रेंड रिचीज फर्स्ट मिलियन पॉइंट्स अगर वो कलेक्ट कर लेता अपने, तो आपको यहाँ पर 500K पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन मिलियन पॉइंट्स अर्न करना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है। वैसे आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। अगर हम बात करें इसके पेमेंट प्रूफ की और इसके विड्रॉल के बारे में, तो पहले हम बात करते हैं इसके विड्रॉल के बारे में, उसके बाद में पेमेंट प्रूफ के बारे में आपको बताऊंगा। तो मिनिमम विड्रॉल इसके अंदर जो है $1 का है, तो अगर आप इसमें जो $1 को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी है, बस $1 करो और उसके बाद विड्रॉल करो। लेकिन ये जितना सुनने में ईजी लग रहा है उतना ईजी है भी नहीं, क्योंकि पॉइंट्स को अर्न करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है इसके अंदर, इतना आसान नहीं जितना आपको लगता है, जैसे काफ़ी सारे यूजर्स का कहना और उनका एक्सपीरियंस ये बोलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर पॉइंट्स को ऑन करना इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है, ठीक है। अभी मैं इसके पेमेंट प्रूफ की बात करूँ तो पेमेंट प्रूफ का जो वीडियो है वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लाइव पेमेंट प्रूफ दिखाया गया है टी वाई रिवॉर्ड्स का, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि रियल अर्निंग ऐप है। और अगर हम यहाँ पे नीचे की साइड आएँ तो हमको और भी काफ़ी सारे गिफ्ट कार्ड्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि गूगल का गिफ्ट कार्ड सेम ही है यहाँ पर, मिनिमम डॉलर जो है मिनिमम रिडीम $1 करने पड़ेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे इसको विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स की जो लिमिट है, मतलब मिनिमम विड्रॉल की जो लिमिट है कॉइन्स की, वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आप फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड भी ले सकते हो, तो ये ज़्यादातर इंडियन यूजर्स के लिए है फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड, क्योंकि फ्लिपकार्ट ज़्यादातर इंडिया में लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपके और भी गिफ्ट कार्ड्स मिल रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अभी हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या ये वर्थ करता है अर्निंग के लिए और क्या ये रियल है कि फेक। देखो पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ऐप है वो रियल है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर ये अर्निंग करने के लायक है कि नहीं, ये मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं कहूँगा नहीं। यहाँ पर आपको अर्निंग बहुत ही कम होने वाली है, पॉइंट्स आपको बहुत ही कम मिलेंगे, और अगर आप इन यूजर्स के रिव्यूज़ को पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जैसे जैसे आप गेम्स को लेवल अप करते हो, बिल्कुल शुरुआत में आपको कॉइन मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लेवल पर अप करते जाते हो आपको पॉइंट्स ही नहीं मिलेगा। लोगों ने यहाँ पे अपने ऐसे ही रिव्यूज़ शेयर किए हैं, लगभग सभी के रिव्यूज़ ऐसे ही हैं, ठीक है। और जो 5-5 स्टार के रिव्यूज़ हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे ये रिव्यू दे दिए भाई, मुझे तो लग रहा है कि फेक रिव्यूज़ हैं या फिर यूजर्स ने ऐसे ही मज़े में दे दिए हैं। लेकिन असल रियलिटी ये है कि अभी जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि यहाँ पर जो है दोस्तों उनको जो है पॉइंट्स ही नहीं मिल रहे गेम्स खेलने का। तो अगर आपको गेम्स खेलने के पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे तो आप अर्न ही क्या कर पाओगे,
इसलिए मिनिमम विड्रॉल तक पहुंचना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हालांकि एप्लीकेशन रियल है लेकिन भाई ये अर्निंग के लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता है। आपको मैं और भी काफ़ी सारी अर्निंग ऐप्स का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप अर्न कर सकते हो। इसको यूज़ इस टाइम मत करो।